लेकर सरकार और विपक्ष भले ही एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराकर खुद को किसान हितैषी साबित करने में जुटी हो, मगर मामले को दोनों ही पार्टियों में चल रही तनातनी का खामियाजा मजबूर किसानों को भुगतना पड़ रहा है। धान पक चुका है लेकिन समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू नहीं होने के कारण किसान उसे बेचने नहीं जा पा रहे हैं। यही नहीं, मजदूरों की पेमेंट और दूसरे खर्चों के लिए भी किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के मुताबिक धान खरीदी में देरी होने से उनकी व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई है। बहुत समस्या होते, बहुत समस्या होते। पिछले साल तो दिवाली पहले धान बेचा जाए, लेबर मतलब अभी पेमेंट नहीं होना, दिवाली त्योहार माने पर भूमलन दिवा है, डीजल पानी सब के व्यवस्था नहीं हो पाते। हमन चाहतन कि 15 नवंबर के धान खरीदी शुरू करी तो अच्छा रही, अन्यथा किसान के बहुत नुकसान है। तो ट्रैक्टर वाला है, लेबर में से पेमेंट करे पर बहुत तकलीफ होती। तो कैसे करूँ आप, जैसे अभी एक महीना लेट धान खरीदी तो कैसे कर, कहाँ से पेमेंट करूँ फिर? अब व्यापारी से अपन पैसा ले लगी या उन्हें पुणे नाम में धान लगे धान में दे लगी।